बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया है। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया है और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना है। उनकी भुसुंडी की, वे कहते हैं कि उनकी बहुत प्रकार से भुसुंडी जी की गरुड़ जी ने बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर निवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र वचन बोलते हैं। प्रभु अपने अभिवेक ते मजहु स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहूं जानी दास निज मोही। कि हे प्रभु हे स्वामी, मैं अपने अभिवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। और इतना कहते ही गरुड़ जी भाव विभोर हो गए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान विरक्त विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे उत्तम बुद्धि से युक्त युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हो। अपने आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है तात यह सब समझा कर मुझसे। हे स्वामी हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नात सुना मैं अस शिव पाही महाप्रलय नाश तम नाही मुधा वचन नहीं ईश्वर कहें तो मोरे संशय अहिं। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं हो सकता है और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव का यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्याप्ता, ऐसा क्या कारण है? हे कृपालु हे काकभुंडी जी, मुझे कहिए यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनी हर से उकागा बोले उमा परम अनुरागा धन्य धन्य तब मति उर्गारी प्रसन्न तुम्हारी मोहिय की प्यारी। हे उमा, शिव जी कहते हैं कि हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भुसुंडी जी बड़े हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है धन्य है, आपके प्रसन्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रसंग सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुन। जब तप मख सम दस व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पत प्रेमा ते ही बिनु को न पावे छेमा। अनेक जब तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम होना है, इसके बिना कोई और कल्याण मेरा है ही। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिसमें अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि सम देही कवि को विदने पर संसहि तेही राम भगति यही तन उर जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं
वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई थी, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है, इसीलिए यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता है। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं रह पाता। अनेकों जन्म में मैंने अनेकों प्रकार के योग जब तक यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने घूम घूम कर जन्म ना लिया। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए थे, पर अब की तरह पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ था। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद आती है, श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। हे पक्षीराज, सुनिए अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव की जय।